नाज़रीन आइए, आज मैं आपको कीमे का बर्गर बनाने की रेसिपी देती हूँ, जो कि मेरी पहले भी मैंने आपको दे चुकी हूँ। ये सेकंड वाली है, ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा लिया है, साथ ही मैंने एक प्याज लिया है, रेड ऑनियन मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ, रेड ऑनियन ही यूज कीजिएगा, ये इंडियन है, रेड दूसरा होता है जो कि जिसका कलर बहुत ज्यादा रेड होता है वो मत यूज कीजिएगा, ये इंडियन है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पेशल बोल रही हूँ कि ये इंडियन ऑनियन ही यूज कीजिएगा। इसके अंदर जिंजर का ये एक पीस डाल रही हूँ, चिली है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कितने स्पाइस पसंद करते हैं, स्पाइसी उतना डालिएगा आप। मसालों में सिर्फ ये मेरे पास 1.5 चम्मच टीस्पून जो है वो है पिसा हुआ गरम मसाला, ये जीरा पाउडर है मेरे पास 1.5 टीस्पून है, सॉल्ट है मेरे पास 1.5 टीस्पून है। तो अब मैं ये करूँगी कि इन चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह इसको चॉप करके इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। पहले मैं इसको करूँगी, फिर कीमा बाद में डालना, आप इसकी शक्ल देख लें, मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ इस तरह से, ठीक है। अब मैंने ये करना है कि इसके अंदर मैं कीमा है, इसके अंदर जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो डाल दूंगी, डालने के बाद फिर मैं इसको मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। आपने ये करना है कि इसको बनाकर तकरीबन आधा घंटा पहले बनाकर रख ले, ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा सा ब्राउन सा आ जाएगा और जो रेड रेड कीमे का कलर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। देखिए मैंने इस तरह ये बना के रखी है, आपको पिक्चर में इसका कलर इस तरह का लग रहा है, वीडियो में अदरवाइज इसका कलर बहुत अच्छा आया है। मैंने आप लोग को दिखाने के लिए स्टेट हुए है, मुझे इसको ग्रिल करने पड़ रहे हैं। आप इसको ओवन में भी कर सकती हैं और एक ग्रिल पैन में भी कर सकती हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे गर्म करके रखा हुआ है, ये देखिए। और बहुत सिंपल है, बहुत आसानी तरीके से ये बन गए हैं, तकरीबन ये 5 मिनट भी नहीं लगे मुझे बनाने में, और ये देखिए मेरे नीचे बर्गर जो रेडी हो गए हैं। तो बन जो है वो मैं ये वाले यूज कर रही हूँ, आप थोड़े से इसे बड़े वाले यूज़ कीजिएगा, मुझे मार्केट में मिले नहीं, अदरवाइज मैं बड़े वाले लेती हूँ और उससे बहुत ही मज़े के लगते हैं। चीज़ स्लाइस जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, ये देखिए मैं आइसलैंड के यूज़ करती हूँ ऑलवेज, और जहाँ से भी आपको मिले टेस्को से, आइसलैंड से किसी भी कंपनी के आप यूज़ कर सकती हैं। मैं बना के आपको रेडी करके तो दिखाऊँ, साइड से हो जाए तो आपने इसको दूसरी साइड इसकी पलट देनी है इस तरह से। बहुत मज़े के ये जूसी बर्गर घर में तैयार करते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। मेरे बिल्कुल रेडी है बर्गर, अब मैं इसको बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ इसको जो है वो ग्रिल कर लिया था, कुछ बच्चे मेरे केचप पसंद करते हैं, कुछ चिली सॉस पसंद करते हैं, तो उनके मद्देनजर रखते हुए मैं आज ये बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो मर्जी आप डाल सकती हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपने पहले ये डालना है या बाद में वो डालना है, आप अपनी मर्जी से इसको जिस तरीके से भी रखना चाहती हैं, यूज़ करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। मैंने बना के रेडी कर लिए हैं, ये मैंने 3 किस्म के बनाए हैं, क्योंकि तीनों मेरे बच्चों की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फरमाइश होती है, किसी को केचप पसंद है, किसी को मायोनीज पसंद है, किसी को चिली सॉस, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने तीनों के जो है वो सेपरेट सेपरेट बनाए हैं। ये मैंने डबल बर्गर बनाया, आप इसके अंदर डबल रख सकती हैं, ये वाला मैंने सिंगल बनाया है, चीज़ वाला है ओनली, और ये मैंने केचप वाला बनाया है, इसके अंदर मैंने चीज़ ऐड नहीं की, और साथ ही आप जो है वो चिप्स रेडी कर लें, ये देखिए, तो आपका ये मील जो है वो रेडी हो